अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ तला हुआ गोश्त। तले हुए गोश्त के लिए मैं आधा किलो गोश्त ले ली, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, कोथमीर, 1 प्याज की डल्ली, और ये मैं प्याज को बारीक काट ली, हरी मिर्च और करिया पत्ता और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं कुकर ले ली, कुकर में गोश्त ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, नमक और हल्दी, और इसमें कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं अब ऐड करूंगी 1 ग्लास पानी और कुकर के लिड लगाकर 3 से 4 सीटी होने तक रख दूंगी ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। देखिए गाइस, ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब ये पानी सूखने तक मैं इसे पकाऊंगी। देखिए ये गोश्त का पानी सूख चुका है। पर मैं एक कढ़ाई ले ली और उसमें मैं तेल ऐड कर ली और ये तेल गरम होने तक मैं रख दूंगी। अब ये तेल में मैं प्याज डाल दूंगी और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक मैं पकाऊं। हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं है, ये प्याज को गोल्डन ब्राउन होने भी नहीं देना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये गोश्त का कलर चेंज होने तक मैं इसे इसी तरह से भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हरी मिर्च, करिया पाक, कोथमीर। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए, और इसे मैं 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए गाइस, हमारा तला हुआ गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग भी ट्राई करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।